शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कौशाम्बी जिले के सैनी थाना इलाके के कमसिन चौराहे पर आज दोपहर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 7.5 बोतल अंग्रेजी शराब पकड़ी। कार सवार पकड़ा गया व्यक्ति नंदकिशोर मथुरा जिले के थाना छाता का रहने वाला है। पकड़ा गया अभियुक्त हरियाणा से अवैध रूप से शराब की तस्करी बिहार में करता था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार में 15 पेटियों सहित 750 बोतल महंगे ब्रांड की शराब जब्त की है। पकड़ी गई कार में 4 अन्य नंबरों की प्लेट भी मिली है जो आगरा मथुरा दिल्ली और वाराणसी की है। क्षेत्र के अंतर्गत हमारे इंस्पेक्टर श्री अर्जुन सिंह, सब इंस्पेक्टर श्री वीर प्रताप सिंह, सब इंस्पेक्टर श्री उमेश सर और सब इंस्पेक्टर श्री आशुतोष द्विवेदी और कांस्टेबल अशोक कुमार और कांस्टेबल ऋषि कुमार, ये कमासिन के पास में वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तो अचानक एक हुंडई i20 की कार आई और उसको जब रोका और उसको जब चेक किया तो उसका ड्राइवर शक पकाया, तो इनको शक हुआ। तो जब चेक किया तो इसमें 750 अवैध अंग्रेजी शराब की बोतलें मिली, जिनमें बोतलें भी हैं, अड्डे भी हैं और कौवे भी हैं। और जो व्यक्ति ले जा रहा था, जो अभियुक्त है, नंद किशोर पुत्र धनीराम पांडे रहने वाला है, मथुरा में पड़ता है, थाना छाता जनपद मथुरा का रहने वाला है। तो ये हरियाणा से खरीद करके और ये बिहार ले जाते हैं। इस पर 3 नंबर अवैध नंबर प्लेट भी मिली है, जो एक दिल्ली की है, एक मथुरा की है, एक और है बनारस। जो नंबर प्लेट था सर, तो उसमें से क्या सप्लाई की जाती थी अन्य देशों में? मतलब ऐसा है, ये नंबर प्लेट इसलिए रखता था कि पश्चिम में अगर इसको चलना है तो पश्चिम वाली पश्चिमी जिले की जनपद की नंबर प्लेट लगा ली तो उससे पुलिस नहीं रोकेगी। पूर्वांचल में आया तो पूर्वांचल की लगा ली, जिससे पुलिस नहीं रोकेगी। पकड़ी गई शराब की कीमत क्या होगी सर? लगभग इसकी 1.5 लाख कीमत है।